देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। मंडी में हुए हादसे में अब VNRR कॉलेज प्रबंधक हिमाचल सरकार को ही घटना के लिए जिम्मेदार बता रहा है, मगर टूर ऑपरेटर कृष्णा मुरली के बयान के बाद से ही पूरा मामले का सच अब सामने आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि टूर ऑपरेटर कृष्णा मुरली घटना के दिन भी घटना स्थल पर मौजूद था, मगर कॉलेज प्रबंधन ने इस बात को अब तक छुपा कर रखा था। कॉलेज प्रबंधन की चुस्ती देखिए कि उन्होंने बच्चों के परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। फिलहाल पुलिस जो है वो टूर ऑपरेटर से पूछताछ कर रही है। बीते रोज जब एक बच्चे के अभिभावक ने टूर ऑपरेटर के मोबाइल पर कॉल किया, तब यह बात सामने आई। हैरानी की बात यह है कि सर्च ऑपरेशन के शुरू से ही वह दोनों अध्यापक यहां मौजूद हैं और जो घटना के दिन साथ थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन को बचाने और अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने टूर ऑपरेटर की जानकारी किसी को नहीं दी। पुलिस टूर ऑपरेटर से अब कड़ी पूछताछ कर रही है। स्टोरीज वेरी रॉयली आई डोंट नो इज दिस गाय फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दिस मैनेजमेंट द कॉलेज मैनेजमेंट कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स बिकॉज द स्टूडेंट्स आर इन अ टेंडर एज। There, if they see the water, they are excited. You cannot blame the students. Any parent, even anybody, all over universe, you know, you cannot blame. The students are, they never, these 90% of the students, they never come out of the house. College प्रबंधन की बेशर्मी की हद देखिए। अब भी उनके चेयरमैन अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाकर यही साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रदेश सरकार की गलती है। Specific instructions along with the related photographs were circulated to the colleges with the specific instruction do not blame the students. I have sent the photographs here. Why students are not to be blamed? Because if somebody can focus it onto this one, it would be all right. This is a mail that is sent to them, do not blame the students. जबकि टूर ऑपरेटर साफ कह रहा है कि स्थानीय लोगों के बताए जाने पर इस समय पानी बढ़ता है। उन्होंने साथ ही दो अध्यापकों को बार बार कहा कि बच्चों को बाहर बुलाएं, लेकिन अध्यापक वहीं सड़क पर खड़े रहे। उस दिन के क्या हुआ ना, तीन जगह में नहीं रुक दिया बस। वो फर्स्ट टाइम डैम के, सेकंड टाइम वो वाटरफॉल्स के, थर्ड टाइम वो हनोगी टेम्पल से, लास्ट वो उधर साइड में रुक गया। वो दिन में क्या ना, वो बच्चों के क्या ना टॉयलेट गए, 10 मिनट में आता है सर। वो भी टीचर्स चले गया, वो बच्चों के चले पूरा साथ। वो दिन में टीचर्स नहीं आया, उनको बोला ना सर जल्दी आ जाए सर, टाइम ज़्यादा नहीं था। वो केवल मनाली जाने के लिए रात 10 बजे और 11 बजे चलता सर, जल्दी आ जाए सर उनसे। वो पूरा नीचे गया, मैं फ़ोटो दिया, फोटो दिन में मैं बोला ना सर जल्दी आ जाओ जल्दी आओ। वो साइड लोकल वाला क्या बोला ना, पानी आया जल्दी जाओ उनको, मैं बोला ना आ जाओ, कोई भी नहीं आदमी। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना में सकुशल बच्चे जो वापस हैदराबाद पहुंच गए हैं, उन पर कॉलेज प्रबंधन के लोग हैदराबाद में दबाव बना रहे हैं कि वे ऐसा ही कहें कि घटना में बच्चों की गलती नहीं है और कॉलेज प्रबंधन का इसमें कोई दोष नहीं है। एक आदमी आके मैं टूर ऑपरेटर हूं बोल के आया, अरे मैं तो उनके साथ बच्चों के साथ डूब गया। नहीं सर मैं गिर गया था, गांव वालों ने मुझे बचाया। मैं बोला टूर ऑपरेटर तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? नहीं है। तुम्हें हिंदी एक वर्ड भी नहीं आता, हिमाचल में टूर ऑपरेटर बन के आया तुम, इधर चलता है क्या? इस पर तेलंगाना के गृह मंत्री नेली नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भी माना कि बच्चों के साथ अध्यापक व कॉलेज स्टाफ कम था तथा इसकी जांच अलग से की जाएगी। पेरेंट्स को भी हम समझाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई डरा दम नहीं सकता, हम लोग पूरा प्रोटेक्शन देंगे,
हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, हम पुलिस से पूरा प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा कोई हरकत नहीं होने देंगे हम लोग तो। बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, उसका लाइसेंस है नहीं है, नहीं है तो उसको पनिश करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो कोई ऐसे बकवास करता है तो उसको हम बिल्कुल पनिश कर देंगे। बहरहाल अब नेवी के अत्यधिक आधुनिक सोनार तकनीक तथा रिटेडर की मदद से पुंडो बांध में शवों की तलाश जारी है। शवों की तलाश के लिए इसके बाद दो ही तरीके रह गए हैं। एक यह कि अब घटना बीत जाने के 15 से 20 दिन का इंतजार करें, जिससे ब्लूटेड पुट्रिफिकेशन का इंतजार करें, या दूसरा पुंडो बांध को पूरी तरह से खाली कर इसके तल में शवों की तलाश की जाए। अब परिजन आपस में बात कर ही इस पर फैसला करेंगे और उपायुक्त को इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद ही अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन पर फैसला लिया जाएगा। डे एंड नाइट न्यूज के लिए मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट। तो घटना के 8 दिन बाद टूर ऑपरेटर कृष्णा मुरली सामने आया, उन्होंने बयान दिया है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी बात करते हैं हमारे संवाददाता अंकुश सूद से। अंकुश, क्या लगता है आपको, टूर ऑपरेटर जो सामने आया है 8 दिन बाद सामने आया और जो उसने बयान दिया है, वो हिमाचल सरकार के लिए कितना राहत भरा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी आप जो वीएनआर कॉलेज है, इसके मैनेजमेंट की बेशर्मी देखिए कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं कि कोई उन्हें घटना सुना दे, बता दे। तो मीडिया ही वो पहला था जिसने वीडियो फुटेज लाया और दिखाया जी। और ये जो टूर ऑपरेटर दो लोग ये साथ थे, प्रहलाद जो बह गया है और कृष्णा मुरली जो दूसरा आदमी है, ये अभिभावकों के साथ ही घूमता रहा। यहाँ उसे किसी ने भी नहीं पूछा कि वो कौन व्यक्ति है। ये तो एक अभिभावक के पूछने के बाद जब उसने मोबाइल पर कॉल किया तब ये बात सामने आई। लेकिन मैनेजमेंट को देखिए, उन्होंने भी, अगर आप सोचिए किसी का बच्चा उसमें मरा है, उसमें नहीं मिल पा रहा है, अगर टूर ऑपरेटर आके उनको वो उस समय की घटना भी सुना देता तो शायद उन्हें सुकून मिलता। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने भी, और वो दो इनके साथ अध्यापक हैं जिन्हें इसने बार बार कहा था कि नीचे जाइए और बच्चों को बुलाकर लाइए, वो भी नहीं गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती, उन सब ने इसको जो है बचा कर या पीछे करके रखा जी। गौरव जी, अब जिस तरह से जो तेलंगाना के गृह मंत्री हैं, वो जिस तरह से कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? जिस तरह से परिजन भी आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से कॉलेज प्रशासन की ओर से दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कार्रवाई आगे होगी इस मामले में? और ये हमें नहीं लगता है कि ये कोई भी जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है ये काम करने आई है, ये सिर्फ एक आई वॉश है। आप देखिए कि हैरानी की बात है, घटना को 8 दिन हो गए हैं लेकिन तेलंगाना में या सीमांध्रा में एक भी केस जो है वो ना तो ट्रेवल एजेंट के खिलाफ किया गया है, ना ही वहाँ कोई इंक्वायरी चल रही है। यही आज हमारी बात इनके होम मिनिस्टर से हुई, ये बात को ये कहकर टाल देते हैं कि अभी सिर्फ शवों को तलाश कर रहे हैं, या ये जब वापस जाएंगे तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। हिमाचल सरकार से तो ये तेलंगाना सरकार चाह रही है कि वो एकदम जो है कार्रवाई करे, लेकिन अपने छोर पर अगर इनकी बात की जाए तो इनकी कोई भी कार्रवाई तेलंगाना की सरकार नहीं कर रही है। इनके पॉलिटिशियन केवल यहाँ आकर बैठे हुए हैं और टीवी के आगे इंटरव्यू देकर केवल ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उन बच्चों के लिए जो नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अंकुश, क्या कुछ हिमाचल सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई की जाएगी इस कॉलेज और टूर ऑपरेटरों के खिलाफ? जिस तरह की ये घटना है इसमें एफआईआर तो पुलिस ने पहले ही दे दी है, एक जो लाजी प्रबंधन है उसके खिलाफ एफआईआर दे ही दी है, मुख्यमंत्री डिविजनल कमिश्नर जो मंडी के हैं उनकी इंक्वायरी भी बिठा कर गए हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं जो हिमाचल के में होनी है। हम बात कर रहे हैं कि जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने आज तक क्यों नहीं कुछ किया है? बिल्कुल, उन्होंने कोई एफआईआर वहां दर्ज नहीं की है, कोई वहां इस तरह की इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है, और ये सब जो है वीएनआर कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी अंकुश, अब जरा सा इस मुद्दे से हटकर हम दूसरे पहलू पर नजर डालें। आज दिन भर सर्च अभियान की टीमें लगी रही, कोई सफलता नहीं मिली, क्या खुश लग रहा है आपको? अभी सर्च अभियान टीमें कितने दिन तक और जारी रखेंगे अपना अभियान? ये उपायुक्त ने पत्रकार वार्ता की है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि दो ऑप्शंस जो परिजनों को दी गई थी, उन्हें कहा गया था कि वो डैम की फ्लशिंग करें या इंतजार करें। फ्लशिंग में खतरा रहता है कि अगर उससे किसी का शव आगे निकल गया तो उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नदी काफी आगे तक जाती है और इसके आगे फिर पौंग बांध आता है, इसलिए परिजनों ने दूसरी ऑप्शन को ऑप्ट किया है। अब इसमें जो है फ्लशिंग नहीं की जाएगी और एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है शरीर के फूलने का,
ब्लू टेक नोटिफिकेशन उसका इंतजार किया जाएगा ताकि शव ऊपर आए और उन्हें कलेक्ट किया जाए। कितने दिन का समय लगेगा अंकुश इसमें? इसके साथ ही आज प्रशासन ने ये जितने यहाँ परिजन थे इन सभी को डेथ ऑब्लिक डेथ या मिसिंग सर्टिफिकेट जो है वो जारी करने के आदेश कर दिए हैं और साथ ही इन्हें कहा गया है कि जो भी शव मिलेगा उसका डीएनए जो है वो रखा जाएगा। चलिए अंकुश जी, अंकुश तमाम जानकारी के आपका शुक्रिया। तो मंडी हादसा एक बेहद ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन घटना के 8 दिन बाद टूर ऑपरेटर के सामने आने से मामला जो है वो पलटता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो टूर ऑपरेटर से पूछताछ कर रही, वहीं तेलंगाना के जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर भी अब निशाना साधना शुरू हो चुका है, क्योंकि घटना के 8 दिन बाद अभी तक तेलंगाना प्रशासन की ओर से ना ही स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही टूर ऑपरेटरों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई करवाने का मन बनाया गया है। फिलहाल ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या निकलकर सामने आता है। वहीं मंडी हादसे में मारे गए छात्रों और लापता छात्रों समेत टूर गाइड को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, इनमें सभी आयु वर्ग के लोग थे। मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों में हादसे में मारे गए छात्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही लापता हुए छात्रों और टूर गाइड की सलामती की दुआएं भी मांगी। करीब 4 साल तक सोमालिया डाकियों की कैद में रहे जावली के अमन गौतम को रिहा कर दिया गया है। अमन के गांव लौटने के बाद उसके परिजनों और गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2010 को भारतीय समुद्र में पश्चिमी मालदीव में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज के सभी 23 क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया था। हिमाचल और अमन के परिवार के लिए आज का दिन अमन लेकर आया है। सोमालिया में 4 साल तक समुद्री लुटेरों की कैद में रहने वाले कांगड़ा के ज्वाली क्षेत्र के अमन आखिरकार समुद्री लुटेरों के चंगुल से छूट गए हैं। ज्वाली के करड़ियाल गांव के केवल कृष्ण के परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि 4 सालों तक समुद्री लुटेरों की कैद में रहने के बाद घर का चिराग वापस आ गया है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, दौड़ धूप चली रही 4 साल, सरकार के पास भी जाते रहे, सरकार को लेटर भी भेजे, ईमेल के द्वारा भी भेजे और हाथ से लिखकर भी भेजे और बार बार जन के सरकार को याद दिलाते रहे टाइम टू टाइम, और सरकार ने काफ़ी मदद की है इस मामले में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। बेटे की रिहाई के लिए एक माँ ने हर दरबार में हाजिरी दी, राज्य में बैठी सरकार से दिल्ली में बैठी सरकार तक को झकझोरा गया। बहुत प्रयास किए, जहाँ भी किसी ने बताया वहीं गवर्नमेंट, ज़्यादा करके गवर्नमेंट के पीछे पड़े हम, गवर्नमेंट को जितना प्रेशराइज हुआ उतना ही किया, जहाँ जहाँ गए सबको यही बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा बेटा चाहिए। तो भगवान से भी प्रार्थना करती तो यही कहती थी भगवान मेरा नहीं है आपका ही है, आप मेरी झोली भर दो, मुझे सब कुछ मिल गया। 4 सालों तक अपने घर परिवार से दूर रहे अमन घर लौटने के बाद बेहद खुश हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया और जिन्होंने हमारी सरकार ने और UNODC और मिस्टर चिराग बारी ने मेरी मदद की, मैं तो उनका सभी का यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऊपर वाले ने मेरी जान बचा दी, आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूं और मैं बहुत खुश हूं मैं अपनी फैमिली से 4 साल के बाद मिला। मैं तो ये पहले सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी फैमिली ने मेरे सभी ने मुझे हिम्मत दी थी कि अपनी हिम्मत मत हारना, एक ना एक दिन हम तुझे लेके आएंगे, तो बस वो उनका सपना भी कल पूरा हो गया और मैं आज अपनी फैमिली के साथ हूं, मैं बहुत खुश हूं। अमन साल 2010 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ था और उसी साल मालदीव आइसलैंड के भारतीय पश्चिमी समुद्र के 23 क्रू मेंबर भी मलेशिया फ्लैग कार्गो शिप को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने साल 2010 में अपने कब्जे में लेकर बंधक बनाया था। बहरहाल अमन वापस घर आ गया है और घर में खुशियों का माहौल है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशन और
युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा ने अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने वीरभद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस के इस कार्यकाल में हिमाचल कर्ज तले डूब गया है। वीरभद्र सरकार पर हमला करते हुए गोपाल दास ने कहा कि जब जब हिमाचल में कांग्रेस सत्ता संभाली है तब तब हिमाचल कर्जे के बोझ तले डूब गया है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सीएम कार्यालय में रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की फौज खड़ी कर पैसों की फजूली खर्ची की जा रही है। इन अधिकारियों के वेतन पर हर माह करीब 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पैसा इसलिए नहीं दिया कि ये फजूल खर्ची करते थे। आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के पास खाली कटोरा लेकर के कि आर्थिक मदद दिया। भाई आर्थिक मदद ठीक है, केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी, पैसा हिमाचल सरकार को देगी, परंतु उस पर जो है चेक होना चाहिए। सोलन में मोहन पार्क के पास रेलवे लाइन पर एक महिला 5 साल की बच्ची को लेकर निकली थी, तभी पीछे से आ रहे रेलकार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला अपना संतुलन रख नहीं सकी और उसकी गोद में बच्ची 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस बेहद डरावने वाकये में महिला और बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सोलन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर घायलों के जख्म नासूर बनते नजर आए, क्योंकि वहां आपातकाल में महज चाइल्ड विशेषज्ञ ही थी और वहां दोनों मरीजों को एक साथ देखने में असमर्थ नजर आए। मरीजों का सिटी स्कैन होना था लेकिन कर्मचारी छुट्टी होने की वजह से नहीं हो सका। ऐसे हालात में उन्होंने पीजीआई रेफर करना पड़ा। इनको आधा पौना घंटा होगा यहाँ लाए हुए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा अभी तक, और यहाँ पे मतलब सिटी स्कैन की भी 24 आवर्स सर्विस नहीं है। ये तो होनी चाहिए क्योंकि पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है इस बारे में, और डॉक्टर भी यहाँ पे इमीजिएटली कभी नहीं पहुँचता है। पेशेंट को बहुत इस चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे या तो शिमला रेफर करेंगे या पीजीआई रेफर करेंगे। दो महिलाएं, एक सत्या देवी 62 साल और एक कनिका शर्मा जो 5 साल की है, वो अचानक रेल लाइन से कहीं जा रहे थे और रेल कार ने ब्रेक मारने की कोशिश की, ब्रेक मारते मारते उनको टक्कर लग गई, उनको घायल अवस्था में रेलवे स्टेशन सोलन लाया गया और वहां से 108 द्वारा ZS सोलन लाया गया उपचार के लिए। यहां से डॉक्टर साहब ने या जो अन्य थे उन्होंने उनको PGI रेफर कर दिया है। तो हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DN नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।